हेलो टू ऑल। तो कैसे आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। आज है मेरा डे थर्ड कसीन में और ये मेरे पीछे सेम होटल है जिसमें मैंने स्टे किया था। तो मैंने स्टे इसलिए किया क्योंकि मुझे जाना था कल गुलमार्ग, और गुलमार्ग में होटल मिलते हैं महंगे, 3,000, 3,500। तो मैंने सोचा अगर मैं टैक्सी वाले को 2,200 रुपये दूंगा तो वो मुझे लेके भी जाएगा, लेके भी आएगा, और बीच में जो पिक पॉइंट होते हैं घुमाने वाले वो भी घुमाएगा। हाँ, पहलगाम जाना है। तो पहलगाम जाने के बाद मैं जाऊंगा, अगले दिन डे फोर्थ होगा घर के लिए। ये होटल से निकलता हुआ मैं अपने अभी यहाँ के ओनर है, ये है नूर गेस्ट हाउस। ओनर बड़े अच्छे हैं यहाँ के। तो अभी पता करते हैं ओनर से कि कैसे कैसे जाना है। यहाँ से जाना है अनकनाथ। ये जो सामने का व्यू सेम व्यू है। अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं कुछ खाने, जहाँ मैंने कल ब्रेकफास्ट किया था वहीं कर लेता हूँ। फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करके मैं जाऊँगा अनकनाथ। ये डर रही है, डरा रही है। तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके जाऊँगा अनकनाथ। अनकनाथ को इस्लामाबाद भी बोलते हैं। ठीक भैया, आमलेट देना। यस, तीन अंडे का चाहिए। हाँ, और यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, मगर उन भैया ने बोला पेट्रोल पंप है वहाँ से गाड़ी मिलेगी, पर पेट्रोल पंप है कम से कम 200 मीटर दूरी पे है। अब इतना भारी बैग लेके वहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे। चलो लेते खाने के लिए। एक पॉली बैग मिल जाएगा, एक पॉली बैग मिल जाएगा छोटा सा। थैंक यू। जब तक ये गाड़ी नहीं निकलता तब तक दूसरा गाड़ी नहीं लगता। नंबर हो चुका है ना। ओके ओके। 120 रुपये पर पर्सन लगेज रखना पड़ेगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आ गया हूँ मैं अनंतनाग। यहाँ से जाना है मुझे पहलगाम। 52 किलोमीटर है यहाँ से, अप्रोक्स 1 घंटे में आ गए हम, क्योंकि रोड बड़े अच्छे हैं वहाँ के। अब यहाँ से करते हैं, यहाँ से बस वहाँ कहाँ से मिलेगी टैक्सी? कहाँ के लिए? पहलगाम। हाँ, पहलगाम के लिए। ओके, थैंक यू। पहलगाम क्या है, क्या फेयर लेते हो? 100 रुपये पर पर्सन। 100 रुपये पर पर्सन। और कितना टाइम लगता है पहुंचने में? ओके 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 ओके। अभी ऊपर रख दूं ना। एक अंकल मिले हैं, उन्होंने होटल बताया मुझे यहाँ तक। देखते हैं होटल कैसा है, रूम कैसे है। आ, ये बेटा है, ये भी बेटा लोग हमारा है। ओके, इसको मैं बेटा है, आप भाई की तरफ इसको बैठा के रखना। क्या नाम है इस होटल का? कौन था? टूरिस्ट पास। टूरिस्ट
ये थोड़ा रूम छोटा है, थोड़ा छोटा है, इससे बड़ा नहीं। हाँ जी ये तो बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा रूम है, इससे बड़ा भी दिखा। हाँ जी ये व्यू है ये सर, ये जाएगा 1500 और अगर नीचे का लेना है ना सर। हाँ जी कितनी नाइट्स करनी स्टॉप देख तो अभी मुझे अगर अच्छा लगा तो नहीं मैं... हम आपको खाली एक नाइट दे सकते हैं, एक ही नाइट दे सकते हो बस, कल फिर आपको दूसरी बिल्डिंग शिफ्ट करना होगा। क्यों ऐसा क्यों? कल हमारा ऑलरेडी पार्ट पे है। अच्छा फाइनली आ चुका हूँ मैं कहलगाम, यहाँ मुझे होटल मिल चुका है, यहाँ मैं बैठा था शेयरिंग टैक्सी में, वहीं एक भैया मिल गए थे मुझे, मतलब अंकल मिल गए थे, उन्होंने मुझे एक शेयरिंग टैक्सी में बताया कि आपको होटल चाहिए, मैं आपको होटल दिलवा दूँ। तो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना यार, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, मतलब दिल्ली की तरह, मुंबई की तरह या कहीं और की तरह, गोवा वोवा कहीं की तरह ऐसे नहीं है जैसे आपको होटल दिलवाएंगे कमीशन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे होटल दिलवाया, कोई कमीशन नहीं लिया। मैंने इसके खुद प्राइस, इसका नाम है द टूरिस्ट पैलेस, मैंने इसके प्राइस चेक करे 2400 है पर डे, और वो आई भी वो पे 2700 पर डे, और MMT पे भी ये 25 समथिंग। बट इन्होंने मुझे ये ऊपर वाला रूम आपको दिखा दो, देखिए ये है रूम, मैं आपको दिखा दो एक मिनट, देखिए ये है रूम, अच्छा है, पूरा वुडन वुडन है। ये है मेरे बैग, ये मेरा कैमरे, और ये मेरे जूते हैं। तो एक जोड़ी जूते मेरे गीले हो गए थे वहाँ पानी के पास, तो मैंने दूसरे पहन लिए, इसलिए दोनों जोड़ी यहाँ साथ रखे हैं। ये है टीवी, और अच्छा है, स्पेसियस है, सिंगल बंदे के लिए बुरा नहीं है। तो ये इन्होंने 1200 रुपये में दिया है, और ये सामने का व्यू देखो मेरे रूम से, दिख रहा है आप लोगों को, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट ये है। बट बीच में थोड़ा हुआ मेरे साथ कि किसी टैक्सी वाले ने मुझे उल्लू बना दिया है ना, और एक किसी आंटी ने उल्लू बना दिया खाने के पीछे, तो चलिए वो थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये तो सही है कि मेरे साथ ज़्यादा लूट मारी नहीं हुई इस बार, तो जो जो हुआ है मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका क्या स्कैम है क्या नहीं है। सारे लोग अच्छे हैं, बट ये नहीं है कि अगर आप एक को देख के चलोगे तो आप सबको बुरा बोलोगे, ऐसा भी नहीं है। अच्छे लोग काइंडेड हैं, आपसे फ्रैंकली रहेंगे, वो वाले फ्रैंक नहीं रहेंगे कि आपको फ्रैंक बना के आपको लूट लें, बट ऐसे फ्रैंक रहेंगे कि आपकी मदद ही करेंगे। तो ये व्यू यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है, अब यहाँ से जाना है मुझे ऊपर, जैसे गुलमार्ग है वहाँ मिनी स्विट्जरलैंड है, जहाँ मैं गया था लास्ट वीडियो में आपने देखा मुझे, अभी एपिसोड 2 था वो, ये एपिसोड 3 है जो मैं बना रहा हूँ, इसमें ऊपर जाऊँगा, देखते हैं क्या होता है। 3.5 किलोमीटर है, अब 3.5 किलोमीटर बस, 3 किलोमीटर हाँ 3.8 किलोमीटर है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, वहाँ से घोड़े मिलेंगे, और उन्होंने मुझे जो भी बताया है कि जो भी आपको रेट बोले उसका आप 50% देना, क्योंकि 50% ऑफ फालतू बोलते हैं। चलिए मैंने कल भी पार्किंग करी, मैं आज भी पार्किंग नहीं करूँगा, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे 5 मिनट में, तब तक के लिए आप देखते रहिए। तो मैं निकल रहा हूँ अपने होटल से, यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ से निकलने के बाद मैं जाऊँगा ऊपर जहाँ पे वो घोड़े थे, क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहलगाम आए और अगर आपने वहाँ नहीं गए तो फिर आपका कहीं जाना मतलब फ़ायदा नहीं होना आने का। मगर पहलगाम बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, या कोई रेस्टोरेंट हो अच्छा सा तो वहाँ खाऊँगा, या कोई रेस्टोरेंट है अच्छा खाने पीने का, कौन सा है सही थी कोई सा भी, मगर खाना अच्छा हो। दाना पानी कितने दूर है यहाँ से? ओके, और वो जो घोड़े जाते हैं ऊपर उनका क्या हिसाब किताब है? उनका सर आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो, यहाँ 12 बंदे बैठे हैं। अरे आप कुछ आइडिया? आप लोग गए नहीं क्या कभी वहाँ पे? नहीं जाते हैं बट हम घोड़े पे नहीं जाते ना मतलब। और बस मुझे अभी ये चाहिए था, कुछ अच्छा सा होटल चाहिए था जहाँ थोड़ा अच्छी शांति हो बैठने की, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने श्रीनगर में होटल लिया था वो होटल थोड़ा
ऐसा था कि आप बैठ सकते थे मगर वहाँ पे ऐसी चेयर या ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं था। आइए पहलगाम आइए, ठीक है। श्रीनगर स्टे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप श्रीनगर स्टे करते हैं तो बहुत हाउस बोट पर करिए, वरना सिंपल होटल में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जो नज़ारे दिखेंगे या तो आपको हाउस बोट से दिखेंगे जो कुछ अलग है, क्योंकि होटल तो आप कहीं भी ले लोगे वो ब्यूटीफुल नहीं है यहाँ पे इतना। तो सोनमार्ग रुकिए, पहलगाम रुकिए और बहुत सारी जगह हैं, जो भी आपको इन्फो चाहिए होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हम तो गुलमर्ग गए थे, सोनमार्ग इसलिए नहीं गए थे क्योंकि मेरा बजट नहीं था। तो अभी मैं वहाँ से टैक्सी में आया, टैक्सी वाले ने पहले मुझे लिए श्रीनगर से लेके कोई यार नाम पे ना, प्लेस के इतने सारे नाम हैं यहाँ पे, वो सारे भूल जाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ से आया था, वहाँ से मैंने 100 रुपये दिए, फिर उस जगह से मैंने दिए यहाँ तक के पहलगाम के 120 रुपये, मतलब टोटल पहले 120 फिर 100 220 रुपये में मैं यहाँ पे आ गया। अगर आप लोग अपनी पर्सनल टैक्सी करते हैं तो आपको लगेंगे तब 2500 से 3000 रुपये। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look.